हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। कॉलेज सिस्टम की सीरीज चल रही है अभी और बहुत सारे वीडियो आई थिंक हमने कॉलेज सिस्टम में बना लिए हैं, तो इससे पहले वाले सारे कॉलेज सिस्टम के वीडियोस आप चेक कर लीजिए। आज हम देखेंगे ब्लैक डिलेज कैश डिलेज BB7। बिशप B7 वाली लाइन में ब्लैक अगर BB7 खेलने में डिले करता है तो आपको क्या करना है? क्लासिकल मूव सबको याद रह जाएंगे, एकदम परफेक्ट है D4। चलिए आज हम मेन लाइन से ही देखेंगे D5 और Nf3। ब्लैक प्लेस Nf6, E3, ब्लैक प्लेस E6, बिशप D3 और यहाँ पे C5, तो सभी ब्लैक प्लेयर खेलते ही हैं क्योंकि एक मूव का टेम्पो लेना है C4, इसे हम स्टॉप करने के लिए कंपलसरी B3 खेलना होगा। ब्लैक खेलेगा Nc6, हम Nb4 को इस गेम में अवॉइड करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं और हम यहाँ पे कैश लेते हैं। बिशप E7 ये क्लासिकल लाइन है। Nb2, बिशप E7 में पहले बिशप निकालो या नाइट निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ब्लैक करेगा कैसल बिशप B2 और यहां पे इतने मूव्स के बाद ब्लैक ने B6 किया। इसका मतलब क्या हुआ? मूव हो गए 8 मूव के बाद ब्लैक बिशप B7 खेलने का सोच रहा है। उसके लिए यहाँ पे नाइट E5 ये हमारी बेस्ट चॉइस है। BB7 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें क्योंकि F4 आता है। नाइट B4 ये ब्लैक की ओर से स्ट्रॉन्ग मूव है। नाइट B4 इसका रिप्लाई आपको देना है बिशप B5। देखो ये मूव आपको कुछ सरप्राइज लगेगी। BB5 D7 C6 सबको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक खेलेगा पॉन टेक्स पॉन, यहाँ पे आपको खेलना है पॉन टेक्स पॉन, सॉरी यहाँ पे आपको खेलना है बिशप इनटू डी। BB7 और C3। अब देखो नाइट C6 पॉसिबल नहीं है, नाइट A6 एक ही मूव है लेकिन ये भी काफी इफेक्टिव नहीं, तो हो सकता है ब्लैक यहाँ पे काउंटर अटैक करे विथ पॉन टू A6। यहाँ आपको सिंपल बिशप E2 ला देना है। अब नाइट C6 पॉसिबल है, तो नाइट टेक्स नाइट आफ्टर बिशप टेक्स नाइट, उसके बाद आपको F4। दोस्तों ये स्ट्रक्चर करके आप खेलिए, बहुत मजा आएगा। ओके, CD4 के बदले यहाँ पे हम देख लेते एक चेंजेस। कई बार बिशप A6 एक ये भी मूव होती है ब्लैक की ओर से, तो यहाँ आपको बिना दिक्कत बिशप टेक्स बिशप, नाइट टेक्स बिशप और फिर क्वीन E2 लाइक क्वीन C8 और फिर आपको यहाँ पे C4, ऐसे स्ट्रक्चर बना के भी आप बढ़िया से गेम खेल सकोगे। BB7 के बारे में क्या ख्याल है 10th मूव में? ओके, यहाँ पे बिशप A6 के बदले बिशप B7 खेल दिया ब्लैक, तो यहाँ आपको पॉन एक्सचेंज करना है D into C5, B into C5, फिर A3, क्वीन B6 काउंटर अटैक और यहाँ पे A×B4 Q×B4 ये पोजीशन आएगी और कॉन्टेक्स्ट पॉन, ये वाइट के लिए अच्छी है पोजीशन, तो एक ये भी लाइन है। ओके दोस्तों, ये सारे मूव्स थे हमारे कॉलेज सिस्टम के क्लासिकल के मूव्स। अब मैं आपको बताऊंगा अर्ली बिशप की लाइन
बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कोले सिस्टम खेलने में। दिक्कत क्या होती है कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको सभी मूव्स में वीडियो में बता दूंगा कि d4 जैसे कि ब्लैक बिशप g4 पहले मूव में करता है, d5, नाइट f3 और बिशप g4। एक तो ये अर्ली बिशप डेविएशन कहते हैं, दूसरा मैं बताऊंगा d4, d5, नाइट f3, नाइट f6 ब्लैक प्लेस, e3, उसके बाद बिशप g4। अब आप बोलोगे कि बिशप g4 या फिर बिशप f5 आ गया तो कोले में हमें क्या करना है, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना। चलिए पहले देखते हैं नाइट f3 बिशप g4, नाइट f3 bg4 सेकंड मूव। यहाँ पे आपके पास बेस्ट चॉइस है नाइट e5। अब यहां से दो लाइन है, इसमें एक नाइट f6 ये साइड लाइन है, पर ये मैं ब्लैक को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि ब्लैक के लिए सबसे बैड मूव है नाइट f6 इस गेम में। यहाँ पे दो चॉइस है, बिशप f5 और दूसरी चॉइस है बिशप h5। नाइट से बिशप पे अटैक आप तुरंत करते हो तो ये मेन दो चॉइस है। चलिए बिशप h5 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वीन d3 विथ आइडिया qb4 चेक और गेनिंग अ पॉन। ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन d7 तो पॉसिबल नहीं है, qc8 चेक के बाद c6 करके ये पॉन को प्रोटेक्शन करना प्लानिंग है। यहां आपको खेलना है पॉन टू c4। अब f6 ये ज्यादा प्लेयर खेलते हैं क्योंकि बिशप g6 अभी भी आ नहीं सकता, तो f6 आपके सेंट्रल और नाइट को दूर करने के लिए। नाइट f3 बेस्ट चॉइस, आफ्टर डीन टू c4 क्वीन टेक c4 और फिर बिशप f7। यहां पे आपको चलना है क्वीन c7 और ये पोजीशन काफी हद से अच्छी हो गई है क्योंकि नेक्स्ट थ्रेट में आप e4 बिशप d3 एंड कैसलिंग बहुत ही अटैकिंग खेल सकोगे वाइट की ओर से। ओके दूसरी चॉइस देख लेते हैं, यहां पे बिशप f5 क्योंकि क्वीन d3 स्टॉप करने का प्लान है। यहां पे आपको करना है नाइट c3। और उसके बाद आइडिया e3 एंड बिशप टू g4 बिशप d3। बिशप f5 में बहुत दिक्कत नहीं है, आप पोजिशनल खेल सकते हो दोस्तों, इसलिए ज्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। ओके अब देखते हैं ब्लैक प्लेस बिशप g4 ऑन थर्ड मूव, आपके नाइट को पिन कर रहे तो nf3 nf6 के बाद जब आप e3 खेलते हो तब ब्लैक आपको पिन करता है, तो पिनिंग के बारे में क्या ख्याल है। यहां पे मैं सजेशन दूंगा h3। अब देखो इसके पास कितने मूव्स है, बिशप टेक्स f3 और बिशप h5, हम दोनों लाइन डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले बिशप f3, यहां पे आपको करना है क्वीन टेक्स f3, सिंपल है। e6 सेंटर पॉन पे सपोर्ट और डार्क स्क्वायर बिशप ओपन करेगा। यहां आपको करना है c4, ब्लैक रिप्लाई देगा c5, c into d5, क्वीन टेक्स d5, यहां पे क्वीन टेक्स d5, आपको भी क्वीन टेक्स d5 कर देना है। ब्लैक खेलेगा e takes d5, फिर d into c5, b into c5, तो यहां पे विथ आइसोलेट पॉन आप खेल सकते हो, ब्लैक के पास आइसोलेट पॉन रहता है और एंड गेम। तो
थोड़ी सी व्हाइट के फेवर में है। ओके, देखते हैं यहां पे बिशप। देखो आप एक और भी मैं लाइन बताता हूं, इसमें इसी लाइन में जी क्रॉस एफ थ्री अगर आप करना चाहो तो जी क्रॉस एफ थ्री भी कर सकते हो। आइडिया है यहां पे ए थ्री का, एफ फोर। ओके, लेकिन पूरी प्रिपेयर करने के बाद ये खेल सकते हो। ओके, देखते हैं यहां पे बीजी फोर के बाद एच थ्री और यहां रिटर्न बिशप एच फाइव। तो यहां आपको करना है जी फोर, बिशप जी सिक्स फोर्स हो जाएगा और नाइट ई फाइव। बेहतरीन पोजीशन से आप खेलोगे यहां पे। दोस्तों ये हो गई कोले सिस्टम की सारी लाइंस। अगले वीडियो में आपको एक और भी जबरदस्त लाइन सीखने को मिलेगी अगले वीडियो से। सिर्फ वीडियो में नहीं देखते, क्योंकि मैं जो भी ओपनिंग बनाता हूँ पूरी सीरीज बनाता हूँ उसकी। प्ले अगेंस्ट डी फोर, जब आप ब्लैक से खेलते हो तो डी फोर के सामने बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या खेले, डी फोर डी फाइव किंग्स इंडियन या फिर क्वींस गैम्बिट के सामने क्या खेले। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको एक बढ़िया लाइन सिखाऊंगा और वो प्ले विथ क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। यहाँ पे लाइन क्या होगी मैं बता देता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डी फोर डी फाइव सी फोर, और यहाँ पे मैं आपको एक्सचेंज वेरिएशन क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड बताऊंगा डी इंटू सी। ये विश्वी आनंद बहुत खेल रहे थे, उनकी गेम डेटाबेस में आप देखोगे तो बहुत सारी गेम्स क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। दोस्तों सिर्फ क्वींस गैम्बिट के अगेंस्ट नहीं, मैं आपको पूरी डी फोर अगेंस्ट बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपके सभी मूव्स जैसे कि हॉक्सन अटैक आएगा जिसमें वाइट प्लेज बिशप जी फाइव, पोले सिस्टम भी आ जाएगा इसके सामने आपको कैसे खेलना है, अलग अलग सारे ओपनिंग वाइट की आ जाएगी। इसीलिए पूरी सीरीज आप देखना मत भूलिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद जय गुजरात।